अयोध्या में श्री राम के साथ योगी का मंदिर तैयार। समर्थक ने बनवा दिया योगी आदित्यनाथ का मंदिर। YouTube पर योगी का गाना गाया, लाखों कमाया। योगी को भगवान कृष्ण का अवतार बताया। गुंडा राज माफिया राज खत्म करने वाला ही मेरा भगवान। योगी के कई समर्थकों को पहले आपने देखा होगा, सुना होगा। नोएडा में योगी की रैली के दौरान एक बच्चा कमांडो के साथ योगी की तरह एंट्री लेकर पहुंचता था। उस वक्त जूनियर योगी की खूब चर्चाएं हुआ करती थी। योगी के समर्थन में कोई कुछ भी करने को तैयार रहता है। फिर आपने देखा होगा यूपी में एक मुस्लिम लड़के ने योगी की फोटो सीने पर बनवा ली थी, जिसका फोटो खूब वायरल हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया था। अब एक तस्वीर और देखते हैं, ये देखकर योगी खुश होंगे या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन योगी की आरती ठीक भगवान की तरह इस वक्त हो रही है। क्या कोई योगी के काम करने के तरीके से इतना प्रभावित हो सकता है कि उन्हें भगवान मान ले? योगी की बढ़ती लोकप्रियता की ये तस्वीर दावा करती है कि नेता भी इंसान होते हैं, फिर भी जनता उन्हें अपने भगवान की तरह मान लेती है, इसलिए भगवान की तरह योगी को भोग लगा रही है, कपूर जलाकर आरती की जा रही है। अयोध्या में भरत की तपोस्थली कुंड से 3 किलोमीटर दूर योगी का मंदिर बना है। मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य का दावा है कि वो योगी के भक्त हैं, वो भी पक्के वाले। उनका संकल्प था, जो राम मंदिर बनवाएगा हम उसकी मूर्ति बनवाएंगे। योगी की मूर्ति पर आए, उससे पहले मोदी की मूर्ति भी देख लीजिए। पुणे में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने मोदी की मूर्ति बनवा दी थी, जिसके बाद लोग वहां पूजा तक करने पहुंच रहे थे। पुणे में तब कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जब इंसान भगवान की तरह सब अच्छा काम करे तो हम उसे भगवान ही मानेंगे। यानी महाराष्ट्र में मोदी की मूर्ति हो या यूपी में योगी की मूर्ति, संदेश दोनों में एक है। अयोध्या में योगी की मूर्ति बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य का एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें वो सिर्फ योगी का गाना गाते हैं या फिर योगी की आरती गुनगुनाते हैं। वहीं से जो कमाई हुई उन्हीं पैसों से भव्य मंदिर का निर्माण करवा डाला। अपना घर बनवाने की बजाय प्रभाकर ने योगी का मंदिर क्यों बनवाया, इसकी वजह वो खुद बताते हैं। कुछ लोग इसको चाटुकारिता कहते हैं तो कुछ अंधभक्ति कहते हैं, जबकि कई लोग दिल से इनकी सराहना भी करते हैं। इसलिए योगी भक्त प्रभाकर कहते हैं, मैं एक योगी प्रचारक हूँ, योगी का काम मुझे पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ योगी के लिए ही कर दिया। महाराज जी ने यूपी से माफिया राज गुंडा राज खत्म कर दिया, भगवान भी हमारे बीच होते तो धरती पर ऐसे ही न्याय की बात करते, इसलिए योगी का विष्णु अवतार मंदिर बनवाया। योगी की आरती होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का ये योगी अवतार है, जिसको सबको समझना चाहिए। हमारा संकल्प था जो राम मंदिर बनाएगा हम उसका मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर बन रहा है तो हमने अपने महाराज जी का मंदिर बनवा दिया। एक दिन महाराज जी को पीएम बनना है, कृष्ण की तरह देश के दुश्मनों को मिटाना है, इसलिए हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हमारे देश में नेताओं की लोकप्रियता अक्सर देखी जाती है, लेकिन योगी मोदी में कुछ खास तो है जिसकी वजह से उनके समर्थक उनके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। नेताओं पर इतना भरोसा भारत ने हालिया कुछ सालों में नहीं देखा था। योगी मोदी की ईमानदारी और काम करने के तरीके ने न सिर्फ जनता के दिल में जगह बनाई बल्कि राजनीतिक तरीका भी बदल दिया। हम ऐसा नहीं कहते कि तीसरा कोई ईमानदार नेता नहीं है, लेकिन क्या समाज पर उनका प्रभाव ऐसा है जैसा कि योगी और मोदी का है? योगी आदित्यनाथ को लोग भविष्य का पीएम कहते हैं। हिंदुस्तान में शायद पहले मुख्यमंत्री योगी हैं जिनकी सीएम की कुर्सी पर रहते पीएम बनने की डिमांड इतनी तेजी से की जा रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह के कैंपेन आज भी चलते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य होता है कि योगी को पीएम बनाया जाए। हालांकि विरोधी पार्टियों को इस बात का दुख है कि एक तरफ योगी सबका नाम बदलकर कुछ नया रख रहे हैं, जबकि उनका खुद का मंदिर बन रहा है। योगी इस पर क्या रिएक्शन देंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी संत हैं और संत की पूजा गलत नहीं हो सकती।
अब सवाल ये कि क्या मंदिर पर योगी एक्शन लेंगे या फिर नहीं। चलिए इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।